प्रदेश सीएम रिप्लाई। मेरा वह बजट है, बजट में होगी घोषणा, फिर रखी आप अपनी मांग, सीएम कर दी घोषणा, अब आगे विनियोग विधेयक वह पर चलेगी, मांगा पर डिमांड पर चलेगी चर्चा। 11 तारीख ने या फिर 17 तारीख ने सीएम को रिप्लाई हो रहा हो, फिर पहले दिन की करवा दे रहा हूँ, पहले दो घोषणा और बाकी रहेगी। बाजरा बार कर बाईपास बनाऊंगा और रह क्यों, और एक गेहूं में तीसर सड़क रह रही है, एक सागड़ों बंडेड़ी सड़क रह रही है, एक वो अंडरब्रिज रह रही है, मैं तुरंत डीपीआर की घोषणा आई गल ले गड़े, मैं वो बजट की घोषणा रह रही है, कहिया तुरंत खाद रह रही है भाई, इतने तुरंत तो चार तीन तो और रह गई, मैं तो आई मेज लेंगा आप मुख्यमंत्री जी को, मैं जो साहब तो ठीक ठाक ही दे दियो, बट चार चीज तोड़ रहे हैं, मैं बता दे, मैं भी दे दे, चीज क्यों मिले हैं, ये वजह की है, वेरू पहले मिलने को नहीं आगे, बड़ा बड़ा आदमी हाँ, बड़ा बड़ा करांगा, कोई बारी रहेगा, बंद तो तजुर्बो, मैंने तो थे विधायक चुन लियो, अठारह विधायक चुने बाद में कामरेड अमराराम 217 नंबर रूम है विधानसभा में, मैंने बोले संस्थापन शाखा बड़े जागे का आइडेंटिटी कार्ड दिवायो, ओ पकड़ आइडेंटिटी कार्ड आ है विधानसभा आप तुते करे, मैं तो शिक्षा और करे हूं, पर मैं एक बात कहनी चाहूं, बात आ है कि मेज तो बेम पाड़ के, मेज तो दर्द पाड़ के विधानसभा में गया, मैं विधानसभा ने जी है, विधानसभा को एक एक पल जीव है, राज्यपाल के अभिभाषण बोलनो शुरू ले गए, लास्ट तक विधानसभा जब तक मंगल नहीं हो जा, जब तक तहसील में के मिले, कटौती प्रस्ताव में के मिले, मांग में के मिले, बजट में के मिले, विनियोग विधेयक में के मिले, पूरे बजट में के मिले, एक एक चीज की खोर रखी। मैंने आज अभी एक साथ कहो भाई जी, मेरा प्रशिक्षक फोन पहुंच चुके हो, मैं कहते और मो जायज है, 17 मार्च तक विधानसभा चलेगी, 28 बाद में फिर शुरू हो जाएगी, फिर होली पर 4 दिन की छुट्टी है, 17 मार्च तक विधानसभा चलेगी, इतना फोन वो और मोह के 11 बजे रात में 11 बजे तक मैं तरफ फोन ना चुकू, मैंने थे विधायक चुने तहसील का काम करने खातर, अरे मैं एक को ले 20 साल लड़ा और मैं कह करता लेके रहेंगे लेके रहेंगे, लोग कहता क्या वो सुरजीत ने बोलो सुरजीत के घरे कोई लाग रहे हो मिस्त्री, बोलो सुरजीत को तेरे लो आदमी आयो किसो कपो यार नाम को पर मेरे को वो आयो के किसो कब कह के रहनी लेके रहेंगे लेके रहेंगे वो आयो, ये लियो मैं कॉलेज लिया है, मैं स्कूल लिया है, मैं हॉस्पिटल, एक दिन अपने गांव वाला छोरा एक्सीडेंट होया, इंद्र में सके या बाज के गया हॉस्पिटल, इंद्र मना बोलो बाजी ट्रोमा बनाओ, मैं कहते मेरी मरवा दिया, ट्रोमा ट्रोमा की छोड़ बात, उप जिला अस्पताल बनवाएंगे जो 100 बेड का होगा, और उप जिला अस्पताल सिर्फ इलाज के लिए नहीं बनाया मैंने, मैं अगली बात और बताऊं, उप जिला अस्पताल मैंने इसलिए बनाया कि अगली बार मुझे आप विधानसभा फिर भेजना, मैं वादरा में नर्सिंग कॉलेज और खुलाऊंगा, जो मेरी एक मांग होती है, तहसील में हॉस्पिटल नहीं हुआ गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज नहीं मिल सकता, इसलिए पहले मैंने 100 बेड का हॉस्पिटल बनवाया है और फिर नर्सिंग कॉलेज खुलाऊंगा, आईटीआई कॉलेज ग्रामीण कॉलेज जिस संस्था में झगड़े होने शुरू हो गए, मेरे पास 12 महीने पहले आए थे आईटीआई ये ग्रामीण कॉलेज वाले बुजुर्ग, और आकर के मैंने ये कहा कि बलवान हम हो गए बुढ़े और बेटा इस संस्था को सरकारी करवा दे, कल तो इसमें राजनीति घुस गई तो गड़बड़ हो जाएगी, मैंने कहा प्रस्ताव ला के दो, मैं पूरी मांग करूंगा तो सरकार को हैंडओवर में दिक्कत होगी, संस्था की तरफ से मुझे प्रपोजल दिया, प्रपोजल देने के बाद मैंने उस संस्था को सरकारी करवा दिया, जिस संस्था में हॉस्पिटल हो रहे ग्रामीण कन्या महाविद्यालय अब सरकारी ग्रामीण कन्या महाविद्यालय के नाम से जाना जाएगा, अरे किसी के भाई को ये संस्था उन लोगों ने बनाई है, और संस्था का सर्वसम्मति से मुझे प्रस्ताव ये मिल जाएगा कि इस संस्था का नाम यह करवाना है, नाम नूम की कोई बड़ी बात नहीं बची, हमारे लिए नाम करवा देंगे, आप कहोगे वो करवा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं बची, ये बात कैसे हुई संभव,
बात इसलिए संभव हुई कि हमने हर पल दिया है विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए, हमने हर पल दिया हमारी जिम्मेदारी के लिए, हमने हमारी जिम्मेदारी निभाई। भाई ये बजट एमएलए लैंड से अलावा ये जो बजट मिले इसकी वजह ये है कि हमने, देखो साहब बुरा मत मानना, मैं कभी गोगा मेढ़ी के मंदिर में नहीं गया, लेकिन जिस दिन मैं विधायक बना और गोगा मेढ़ी का पहला मेला आया, मैं गोगा मेढ़ी के मेले में गया और मंदिर से लेकर के मेले में आने वाले लाखों आदमियों की एक एक की परवाह करते हुए मैंने उसकी दिशा और दशा दोनों बदली है। जिस गोगा मेढ़ी में चारों तरफ गंदगी होती थी, उस गोगा मेढ़ी के चारों तरफ सड़क होगी जो गोगा मेढ़ी को नई छान देगी। अरे ये बात करो थे ढील की, मैंने उजलवास ने तो चौथा बना दिया मैं चारों मेर गोगा मेढ़ी के, गोगा मेढ़ी के चारों तरफ सड़क ही सड़क। उसकी वजह ये कि मुझे पता है कि इस देश के एक एक नागरिक की वैल्यू क्या। अब की बार लाइन में एक भी आदमी धोख मारने लाइन में लग गया, एक भी आदमी की डेथ नहीं हुई। उसकी वजह यह कि मेरे एमएलए बनने के बाद दो मेले जो भरे नहीं कोरोना से, दो मेले भरे, मैंने गंभीरता से यह बात मानी कि देश भर के लोग आते हैं और उनकी गरिमा मेरा काम है, उनकी गरिमा करना मेरा काम। तो मंत्री जी को बुलाया और सिर्फ सड़क तो मैंने करवा दी, मंदिर में 8 करोड़ रुपए के काम होंगे, लाइन से लेकर के उसकी नीचे फर्श से लेकर के छाया की व्यवस्था से लेकर के अभी 8 करोड़ रुपए के काम शुरू कर दिए। गोगा मेढ़ी में लोग पानी पीते थे गंदगी का, नहाने वाले लोगों, मैंने जल जीवन मिशन में सबसे पहले 1 साल पहले पानी पीछे से 2 किलोमीटर पीछे से, जब मैं मिलने जीतने के बाद गोगा मेढ़ी गया धन्यवाद के, तो लोगों ने पूछा कि हमारे लिए क्या करोगे, मैं तुम्हारी गंदगी बैठ दूंगा, ऐसे मैं जब पानी पीछे से लाऊंगा ना कोई नहाने नहीं था। 2-2.5 किलोमीटर पीछे से पाइप लिया, उस गांव के लोग गंदा पानी नहीं पीते, मेरे माने वाला कोई यात्री गंदा पानी नहीं पीता।